बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, शोपिया के कापरेड में मुठभेड़ जारी, सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में एक आतंकी को ढेर कर दिया है, जैश के आतंकी कामरान को ढेर किया। इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन फिलहाल लगातार जारी है। बड़ी खबर आपको बता रहे, जम्मू कश्मीर से जैश के आतंकी कामरान को भी ढेर कर दिया है। इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। शोपिया के कापरेड में मुठभेड़ अभी फिलहाल जारी है, सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन भी लगातार जारी है, एक आतंकी को ढेर किया है, जैश के आतंकी कामरान को ढेर कर दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर के शोपिया के कॉपरेट में मुठभेड़ जारी है, सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी। इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन भी लगातार जारी है। आपको बता दें कि इस मुठभेड़ में एक आतंकी को ढेर किया गया है, जैश के आतंकी कामरान को ढेर कर दिया गया है। इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन भी लगातार जारी है। इसी खबर पर हमारे साथ संजीव शर्मा जुड़े हुए हैं। संजीव, बताएं इस खबर पर क्या है पूरी जानकारी। जी लक्ष्मी, जम्मू कश्मीर के शोपिया में हमारी सेना को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली। मैं आपको बता दूं कि कुछ संदिग्ध दिखने के बाद हमारी भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया, और इस सर्च ऑपरेशन के दौरान जो आतंकवादियों ने अपनी सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस पर गोलाबारी शुरू कर दी, जिसकी जवाबी कार्रवाई हमारी सेना और जम्मू कश्मीर ने उनके ऊपर जब गोलियां चलाई और दोनों तरफ से इनकाउंटर शुरू हो गया। इस इनकाउंटर में जो निकल के सामने आ रहा है कि एक आतंकवादी को, जो जैश का आतंकवादी था, उसको हमारी सेना ने मार गिराया। संजीव, कब की खबर है ये, कब की घटना है ये? आज सुबह से ही लगातार जो वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, सुबह जो एक आतंकवादी को जो सेना ने ढेर कर दिया है, ये शोपियां इलाके में एक को ढेर किया गया है, एक आतंकी को। और लगभग कितने आतंकी के होने की संभावना है? आतंकियों की संख्या भी पता नहीं चल पा रही है, क्योंकि वहां पर जंगली इलाका है, झाड़ियां है वहां पर, तो सेना की तरफ से वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, देखा जा रहा है कि और कितने आतंकी हो सकते हैं, लेकिन जो सर्च ऑपरेशन अभी तक जारी है। बिल्कुल संजीव, सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है, कब तक अनुमान है, क्या कहना है अधिकारियों का, सेना के लोगों का क्या कहना है, कब तक ये सर्च ऑपरेशन जारी रहने वाला है? क्योंकि एक आतंकवादी को तो मार गिरा है, क्योंकि एक आतंकवादी हुआ है तो उसके साथ साथ कुछ और लोग भी हो सकते हैं, लेकिन अभी तक जो सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, क्योंकि हमारी सेना की तरफ से जो बिल्कुल उस इलाके को पूरा घेरा हुआ है, जम्मू कश्मीर पुलिस हो, सीआरपीएफ हो, हमारी सेना हो, सबने घेराबंदी कर दी गई है, और वहां पर जो एक आतंकवादी को सुबह से ही मार गिरा दिया गया था, लेकिन जो बाकियों की खोज जारी है। संजीव, जम्मू कश्मीर के कई इलाकों से लगभग ऐसी ही खबरें आती रहती हैं, अभी हाल में भी कई जगहों से आतंकियों के मुठभेड़ की खबर सामने आई थी, तो आखिर कहां चूक रह जाती है संजीव? मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान की नापाक हरकत हमेशा बनी रहती है, जम्मू कश्मीर के कई इलाके हो, वहां से पाकिस्तान जो घुसपैठियों को घुसपैठ कराने की कोशिश में रहता है, और कई जगह से जो घुसपैठ करवा भी देता है, और इसी घुसपैठ करके वो इन इलाकों में आकर जो अपना आतंक फैलाते हैं, और हमारी सेना हो, हमारे सिविलियन हो, जैसे टारगेट किलिंग हो, उनके ऊपर हमला करते हैं। मैं आपको बता दूं कि हमारी सेना की चौकस नजर है, हमारी सेना जितने भी सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर आतंकवादियों को घुसने नहीं दे रही है, लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा हो, और वह आतंकवादियों को घुसपैठ कराने की कोशिश में रहता है और घुसपैठ करा भी देता है, और इसी वजह से जो हमारी सेना फिर यहाँ पर जो सर्च ऑपरेशन चलाती है, कुछ संदिग्ध दिखता है तो हमारी सेना जब उनके ऊपर गोलाबारी करते हैं तो हमारी सेना इनके ऊपर हमला बोलती है। बिल्कुल संजीव, सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ होने के बाद आपको जो वहां की जनता है, वहां के जो निवासी है, उनमें भी खौफ का माहौल हो जाता है, वो भी दहशत पे आ जाते हैं। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि वहां की जनता ही जो सेना के साथ कॉपरेट करती है, वहां की जनता ही कोई संदिग्ध होता है उसको सेना को बताती है, तब जाकर सेना वहां पर कामयाब होती है। मैं आपको बता दूं कि वहां पर डर का माहौल रहता है, क्योंकि दोनों तरफ से गोलाबारी होना, अंधाधुंध गोलाबारी, क्योंकि आतंकवादी अंधाधुंध गोलीबारी करते हैं, वह किसी सिविलियन को नहीं देखते, सेना को नहीं देखते, उनकी तरफ से गोलियां चलाई जाती हैं, लेकिन हमारी सेना वहां पर फूक फूक कर रखती है कि हमारा कोई सिविलियन ना जख्मी हो जाए, हमारा कोई किसी सिविलियन को ना लगे, और उस ऑपरेशन को बड़ी मुश्किल से कामयाब किया जाता है,
क्योंकि एक आतंकवादी दो आतंकवादी को मारना नहीं, पूरे इलाके को वहां पर सिविलियन को बचाना भी होता है और हमारी सेना की यही मंशा रहती है कि कोई सिविलियन जख्मी ना हो पाए, कोई सिविलियन को कुछ ना हो। सर जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका खबर पर जुड़ने के लिए और विशेष जानकारी देने के लिए।